नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं हेनरिच ट्रायंगल के बारे में। तो दोस्तों, ये एक सेफ्टी से रिलेटेड टॉपिक है और हम सभी जानते हैं कि सेफ्टी जो है हम सभी के लिए एक प्रायोरिटी है। सेफ्टी फर्स्ट प्लेस पे आती है हर किसी के लिए, क्योंकि अगर हम सेफ हैं तभी हम प्रोडक्टिविटी या क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या कुछ भी अन्य जीवन में काम कर सकते हैं। तो सेफ्टी सभी के लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो ये आज का जो टॉपिक है ये भी सेफ्टी से रिलेटेड है कि सेफ्टी में किस तरीके से एक माइनर एक्सीडेंट्स जो होते हैं एक मेजर एक्सीडेंट में कन्वर्ट होते हैं, तो एक हेनरिच ट्रायंगल के माध्यम से हम समझाएंगे। तो दोस्तों, हेनरिच जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो बॉटम में सबसे इस ट्रायंगल के हैं वो है अनसेफ एक्ट, बिहेवियर और कंडीशन। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा अगर हम किसी इंडस्ट्री में बात करें या घर पे बात करें तो सबसे ज़्यादा नंबर्स में जो होती हैं वो होती है अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। तो यही जो होते हैं ये बिगेस्ट परसेंटेज ऑफ इंजरी कॉजिंग पोटेंशियल होते हैं। यही जाके आगे नियर मिस में कन्वर्ट होते हैं जो कि उससे ऊपर है। जैसे कि हम देख रहे हैं अगर 3,000 अनसेफ कंडीशन या बिहेवियर होते हैं तो वो जो कन्वर्ट होते हैं वो लगभग 300 नियर मिस में कन्वर्ट होते हैं। नियर मिस का मतलब अभी हम आपको बताएंगे, नियर मिस या अनसेफ एक्ट और बिहेवियर क्या होते हैं ये हम आपको बताएंगे। तो जो नियर मिस होते हैं यहाँ पे हमें इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूर ज़रूरत है, क्योंकि यही आगे जाके 29, जैसे कि यहाँ पे 300 लगभग जो नियर मिस हैं वो 29 माइनर इंजरी में कन्वर्ट होते हैं। माइनर इंजरी मतलब फर्स्ट एड इंजरी, जो कि छोटा मोटा कद लगना या आप एक दिन बाद या तुरंत आप अपने वर्क प्लेस को ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये माइनर इंजरी में कन्वर्ट होते हैं। और वहीं ये 29 कहीं ना कहीं माइनर इंजरी जो होती हैं वो कहीं एक इसमें जो होता है वो फेटल एक्सीडेंट या फिर सीरियस एक्सीडेंट में कन्वर्ट होता है। तो इस ट्रायंगल्स के माध्यम से हम समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं अनसेफ बिहेवियर या एक्ट इज अ रूट कॉज फॉर हैविंग अ सीरियस और फेटल एक्सीडेंट। तो हम आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक बड़ा सा आइसबर्ग आपको दिख रहा है। आइसबर्ग मतलब कि आइस का एक पहाड़। तो आइस के पहाड़ में नॉर्मली क्या होता है, जब हम देखते हैं तो ऊपर से हम देखते हैं, नॉर्मली ऊपर हमें दिखाई देता है, लेकिन ये नीचे बहुत ज़्यादा होता है। समुद्र के अगर हम देखें तो नीचे बहुत ज़्यादा होता है। वैसे ही जो हमारे फैक्ट्री में या घर पे हमें देखें तो अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन और नियर मिस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में होते हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली जब एक्सीडेंट हो जाता है तो उस पर फोकस करते हैं। तो ये एक बड़ा पार्ट है अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन, जो कि कहीं ना कहीं जो कि हमें दिखाई देता है एज अ एक्सीडेंट, जो कि आप ऊपर वाले पोर्शन में देख रहे होंगे, ये कहीं ना कहीं बनता है एक सीरियस एक्सीडेंट और फर्स्ट एड इंजरी। तो हमें अगर फर्स्ट एड इंजरी या सीरियस एक्सीडेंट को अवॉइड करना है, अगर उसको नहीं होने देना है, तो हमें अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट और नियर मिस को एंड करना पड़ेगा। अब आपको मैं बताता हूँ अनसेफ एक्ट क्या होता है। तो अनसेफ एक्ट इज एन एक्टिविटी, वो एक ऐसी एक्टिविटी होती है कि जो प्रोबेबिलिटी बढ़ा देती है एक्सीडेंट के होने की। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको मैं दो पिक्चर्स दिखा रहा हूँ जो कि अनसेफ एक्ट है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फोकलिफ्ट के ऊपर मटेरियल है जो कि गिरने की पॉसिबिलिटी है जिसके, और कोई जाके उसके नीचे अगर खड़ा हो जाता है दैट इज़ अ अनसेफ एक्ट, बिकॉज यहाँ पे जो है आपके इंजरी के चांस बढ़ रहे हैं या एक्सीडेंट के चांस बढ़ रहे हैं। दूसरी पिक्चर में आप देख रहे होंगे स्टंट करता हुआ ये आदमी, तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि इसने ना कोई सेफ्टी प्रिकॉशन रखा हुआ है ना कुछ है। अगर ये कार बाय द वे पलटती है तो यहाँ पे पूरे पूरे चांस हैं एक्सीडेंट के, तो प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट की बनती है। तो ऐसे एक्ट को कहा जाता है अनसेफ एक्ट। अभी अनसेफ कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अनसेफ कंडीशन इन द वर्क प्लेस दैट इज लाइकली टू कॉज इंजरी, मतलब एक ऐसी कंडीशन वर्क प्लेस पे जो कि इंजरी का कारण बनती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए देखें तो डिफेक्टिव इक्विपमेंट या टूल है, जैसे कि कोई भी डिफेक्टिव इक्विपमेंट या टूल से हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे कुछ चोट लगने के चांसेस होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे हमने पहले देखेंगे कि यहाँ पे अनसेफ कंडीशन, इसमें देखिए फोकलिफ्ट सामान उठा रही है, यहाँ पे काफ़ी मटेरियल ऐसा है जो कि गिरने की पॉसिबिलिटी है, तो एक अनसेफ कंडीशन यहाँ पे पैदा हो रही है। हम देख रहे हैं कि वेल्डिंग यहाँ पे
भले ही इस आदमी ने शील्डिंग और सब चीज़ लगाई हुई है और ये एक केमिकल या फ्यूम्स के साथ काम कर रहा है, तो यहाँ पे एक अनसेफ कंडीशन है। अगर यहाँ पे आप अनसेफ एक्ट भी करते हैं तो यहाँ पे पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है आपको चोट लगने के या आपका एक्सीडेंट होने के। तो इस तरह की कंडीशन को कहते हैं अनसेफ कंडीशन। वहीं अगर नियर मिस की बात करें तो दोस्तों नियर मिस कुछ नहीं होता है, बाल बाल बचना होता है। मतलब कि कोई भी एक्सीडेंट से आप बाल बाल बच गए, आपकी किस्मत अच्छी है कि इस बार आप बच गए, तो दैट इज़ कॉल्ड नियर मिस। तो नियर मिस आर अनप्लान्ड इवेंट दैट कुड हैव रिजल्टेड इन इंजरी और प्रॉपर्टी डैमेज बट डिड नॉट। नियर मिस क्या होते हैं, इससे पूरी पूरी चांस होती है कि आपको चोट लग जाए या आपकी प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाए, लेकिन वो होता नहीं है क्योंकि आप इस समय जरा सा एक्सीडेंट से बच गए हैं। जैसे कि आप पिक्चर्स यहाँ पे देख रहे हैं, ये यहाँ से आपका कोई मटेरियल नीचे गिरता है लेकिन इस आदमी के ऊपर नहीं गिरता है, बट इसमें पूरे पूरे चांस थे कि अगर ये इसके ऊपर गिरता तो यहाँ पे ये एक्सीडेंट निश्चित था। तो यहाँ पे एक नियर मिस का मतलब होता है कि बाल बाल बचना। तो नियर मिस को हमें अवॉइड करना ही पड़ेगा, बिकॉज नियर मिस कहीं ना कहीं आज हुआ है तो कल वो जाके एक बड़े एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये नियर मिस नॉट रिपोर्टेड इज द नेक्स्ट एक्सीडेंट। अगर आप नियर मिस को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अगर उसका कॉज फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, अगर उसका काउंटर मेजर नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कल के ट्रेंड में कन्वर्ट होगा। तो आपको नियर मिस पे काम करना है। तो वहीं अगर फर्स्ट एड इंजरी की बात करें तो दोस्तों फर्स्ट एड इंजरी एक इंसिडेंट होता है जहाँ पे आपको माइनर चोटें लगती हैं, जहाँ पे आप बिना कोई जैसे अगर फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं तो आप बिना कोई छुट्टी लिए हुए अगर आप ज्वाइन करते हैं विदाउट लॉस्ट ऑफ वर्क एनी डे, मींस कि आपने कोई छुट्टी नहीं मारी, आप सेम डे पे या सेम टाइम पे आप अपने वर्क प्लेस को ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अ फर्स्ट एड इंजरी। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए बोलूँ, माइनर कट्स, अगर हाथ में आपके कट्स आ गए हों या कहीं पर भी कट्स आ गए हों या बर्निंग हो गई हो हल्की, या फिर कोल्ड कंप्रेस हो गया, कोल्ड पैक हो गया, तो इस तरीके की छोटी छोटी इंजरीज जो होती हैं जो आप खुद ट्रीट कर सकते हैं और सेम डे पे अपना वर्क पे ज्वाइन कर सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अ फर्स्ट एड इंजरी। अब वहीं मैं अगर फैटल एक्सीडेंट की बात करूँ तो फैटल एक्सीडेंट दोस्तों ऐसा एक्सीडेंट होता है जहाँ पे वो डेथ का कारण बनता है, मतलब कि आपकी उसमें डेथ हो सकती है, तो दैट इज़ कॉल्ड अ फैटल एक्सीडेंट। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस पिक्चर में इस कार का किस तरीके से हाल हुआ है। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं वो फैटलिटी का शिकार हुआ है और उसकी डेथ हो चुकी होगी, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी सीरियस एक्सीडेंट। और सीरियस इंजरी क्या होती हैं, जैसे कि अगर सीरियस इंजरी क्या होती हैं, जिसमें एक ऐसा एक्सीडेंट होता है जहाँ पे बॉडी पार्ट हम लॉस कर देते हैं या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है किसी बॉडी पार्ट की, वो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पे कई तरीके की इंजरीज हैं, सीरियस इंजरी हैं जहाँ पे आपको रिकवरी में काफ़ी टाइम लग जाता है और आप वर्क प्लेस पे कई दिनों तक नहीं आ पाते हैं, या हो सकता है कि आप परमानेंट भी नहीं आ पाएँ बिकॉज ऑफ आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो डिसेबल हो जाएं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एक अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये एक रस्टी लिफ्टिंग गियर है, यहाँ पे गियर एक रस्टी है तो एक अनसेफ कंडीशन पैदा कर रहा है। वहीं अनसेफ एक्ट क्या है, इसके नीचे आ जाना। सपोज कोई एक वेट उठ रहा है और यहाँ पे इसके गिरने के चांसेस भी हैं, अगर कोई इसके नीचे आ जाता है दैट इज़ कॉल्ड अनसेफ एक्ट। और अगर वो गिर के टूट के ये पार्ट नीचे गिरता है और अगर आप बच जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड नियर मिस। बट दोस्तों इसके एक्सीडेंट में कन्वर्ट होने के लिए ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि ये कभी भी, ये आज आप बचे हैं, हो सकता है आज नियर मिस है, बट कल के दिन दैट कैन बी कन्वर्ट इंटू एक्सीडेंट। सो आप देख रहे होंगे दैट इज़ अ फैटल एक्सीडेंट। तो इस तरीके से कुछ और एग्जांपल हैं जहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन अगर पैदा होंगी तो कहीं ना कहीं वो नियर मिस का कारण बनती है, और नियर मिस अगर होते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का कारण बनती है। तो जैसे कि यहाँ पे एक सीडी का एक हिस्सा टूटा हुआ है, यहाँ पे अगर ये आदमी इस पर चढ़ता है फिर भी इसको बिना रिपेयर करे हुए, तो यहाँ पे वो
गिर सकता है, नियर मिस यहाँ पे हुआ है, वो कहीं किसी तरीके से बच गया है, लेकिन कहीं ना कहीं कल के दिन वो गिरता है और वो दैट कैन बी अ सीरियस एक्सीडेंट। यहाँ पर आप देख रहे हैं उसके बॉडी पार्ट यहाँ पे डैमेज हो चुके हैं। तो इस तरीके से दोस्तों एक स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें होती हैं, और यहाँ पे इस ट्रायंगल के माध्यम से जो हेनरिचेजन ट्रायंगल दिया था वहाँ पे बोलता है कि अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन सबसे ज़्यादा होती हैं, बट अगर उसमें एनालिसिस नहीं की गई, उनको होने दिया, तो कहीं ना कहीं वो नियर मिस में कन्वर्ट होते हैं, और नियर मिस में भी आपने कुछ नहीं किया तो दैट कन्वर्ट टू द फैटल एक्सीडेंट और अ सीरियस इंजरी। तो दोस्तों हमें क्या अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन पे ही जो हो रहे हैं अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन वहाँ पे हमें काम करना है। अनसेफ कंडीशन है अगर तो उसको इम्प्रूव करना है, उसको सेफ बनाना है। अगर अनसेफ एक्ट है तो वहाँ पे ट्रेन करके, लोगों को ट्रेन करके या बिहेवियर बेस्ड ट्रेनिंग दे के उनको बताना है कि अनसेफ एक्ट ना करें। तो इस तरीके से अगर यही चीज़ नहीं रहेगी, सपोज अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन या नियर मिस ही नहीं होंगे, तो कभी हमारा एक्सीडेंट होगा ही नहीं और हम हमेशा सेफ रहेंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ, आगे फिर से कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।